जम गया एक गेम जम गया वो बर्फ केक के अंदर इतना बड़ा बर्फ ये गिफ्ट हो गया मेरा रेडी ये तूने सिखाया यार ये था मेरा पहला गिफ्ट हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं होली वाले दिन से एक बार फिर क्योंकि आप लोगों को जिसकी पता ही है कि आज होली भी है और मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है तो दो व्लॉग तो हमें बनाने हैं और मैं रेडी हो मतलब आधी रेडी हुई हूँ पूरी रेडी नहीं हुई हूँ और मम्मी भी पीछे रेडी हो रही है सब लोग रेडी हो रहे हैं तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि हमने आज का प्लान क्या बनाया है और उनको आज बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं। उन्होंने ना एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है। तो सबसे पहले हम ना घर पे काटने वाले हैं केक और केक के अंदर हमने फिट किया बॉम्ब मतलब उनके लिए होगा मजा आ जाएगा उनका रिएक्शन ना देखने लायक होगा तो उनका ना रिएक्शन हम देखेंगे और देखते हैं पहले बर्थडे बॉय है कहाँ। ले यहाँ पे तो इनकी साड़ी तैयार हो रही है कहा तेरे जीजा जी मेरे जीजा जी क्या है वो क्या पत्ते पे साली डाली डाली कहाँ है पत्ता कहाँ है फिर पत्ते पे डाली डाली पे जीजा पत्ते पे साली वाह कौन क्या कह रही है अच्छी लगी नहीं रही आज के बाद इसके लिए ना अच्छे कपड़े लाने ही नहीं है मैंने तो इसको ये रो रही है रोने दो इसका हमेशा का यही है ये फैमिली ड्रेस थी ना देख इसका मेरा मिलता है वो जो क्या क्या ये बोल रही है मुझे जंपसूट पहनना है वो ऐसे बाजू वाला ऐसे और वो ठंडा होएगा ठंडा होएगा वो मैं ये कह रही हूँ मान ही नहीं रही है। आप लोग सब रेडी गौतम क्यों नहीं तैयार हुए आप क्यों नहीं तैयार हुए जल्दी से हो जाओ आप रेडी मम्मी पापा आप भी सागर भैया वो रेडी होके सो गए और खुशी चलो चलो बस कहा है अच्छा नॉक नॉक आपकी बीवी हाँ तो क्या जल्दी आओ यार बाहर जल्दी आ जाओ इनके बाहर आ जाते ना मैं रेडी हो जाती हूँ अच्छे से हो गई तैयार मैं तैयार हूँ आप हो बर्थडे बॉय आप क्यों तैयार हो मैसी होते हैं जो कल ड्रेस दिलाई थी ना वो पहनो ओ बाप रे जो दिलाई थी वो पहनो तो ला जो दिलाई कहाँ है फिर कमरे में हमारे जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ अभी यूं तैयार हो गया है यूं जस्ट यूं यार कलर अभी तक नहीं छूटा ये देखो ये भी कहीं वो तो नहीं है हैक तेरा जो फेल हो गया ना वैसे तो नहीं शायद भूल रहे हो कि मैं कुछ हूँ ओ ब्यूटी पार्लर वाली है ना ये और मेरे को करंट भी लग गया था हाँ ये सबसे बड़ी बात ये तो हमने बताया भी नहीं और हाँ। मतलब एकदम आराम से हो गया था मैं सफाई कर रहे थे मेरे को लग गया करंट यहाँ पूरा खून जाम हो गया इतना डर गए थे ना हम बाप रे ये चिल्लाए थे पता इतनी जोर से तो हम लोग कोई गए नहीं हम कह रहे रहने दो प्रैंक कर रहे होंगे पता क्या हुआ गौतम के लगी चोट है हाँ। और नीरज गिर गया यहाँ पे और मेरे को लग गया करंट तीनों भाइयों का एकदम और सागर भैया इतनी जोर से गिरे थे हम डाल देंगे वीडियो में देखना वो देख सकते भेल अच्छे से खींची उनके चलो पापा केक कट करें फिर अब है? केक कट करें करो टाइम हो गया क्या है केक में वही है ठीक है बॉम्ब है बॉम्ब बॉम्ब है ब्लास्ट होने वाला है खुश हो जाएंगे ना तो अब फटाफट से केक कट कर लेते हैं आप लोगों को भी हो रहा होगा केक में क्या है क्या है क्या है क्या है तो बस अब निकलेगा बॉम्ब यहाँ रखा हमने केक ये रहा केक आ गए बड़े बॉय चलो ये आज पहन रहे हो ये शूज बाप रे कब लिए थे 6 महीने हो गए टाइम ही नहीं मिला पहनने का मतलब मौका नहीं मिला कब पहनूं क्या पहनूं उद्घाटन आज हो रहा है पर एक बार बात बताऊं सच बताऊं जैसे बताओ कि ना वो एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट नहीं रही पता है जैसे पहले रहती थी ना बर्थडे मनाने की सेलिब्रेट करनी वो एक्साइटमेंट अब पता नहीं क्या है कोई बात नहीं सच में एक होती है यार मैं ये नहीं कह रहा नहीं मना रहा मैं बर्थडे ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं एक एक्साइटमेंट होती है ना मेरा बर्थडे आज हो वाह वाह वैसा पर हमें तो है नहीं तेरे को नहीं लग रहा है कि बेटा लेकिन कि आज नहीं लग रहा है कि मतलब तेरे को इसे नहीं लग रहा अब ना मतलब मेरे को लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ तो बर्थडे की एक्साइटमेंट नहीं रही और जैसे आप हो आपका बर्थडे आ रहा है आप क्या करोगे अब मेरी छुट्टी है काम धंधा छोड़ के बर्थडे 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 ऐसा वाला ऐसा तो नहीं होता है ले फिर मुझे बोलता है तू ही तो बोलता है ना कहता पापा तू तो मैं बोलता है यार कल बूढ़ा हो गया क्या करता तू कहता ले बूढ़े हो गए अपने लिए होंगे हमारे लिए अभी जवान हो फिर तो अपना करेंगे बोलता था हाँ। तो अब आज अपनी बारी है तो ऐसे ये हमेशा ऐसे करते हैं
हम सबके लिए बहुत करते हैं और अपना टाइम आया तो बस। पता ऐसा क्यों होता है कि इनको ऐसा क्यों लगता है पता है, हम कुछ नहीं कर पाते ना इनके लिए, तब इनको ऐसा लगता है कि कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और हमें होता है ना कि हमारा बर्थडे है, घर कुछ ना कुछ करेंगे, एक्साइटेड रहते हैं हम कि क्या करेंगे, कैसा करेंगे, क्या लाएंगे। हाँ ऐसा होता है, इनको इसीलिए नहीं होता है, साफ साफ बोलती हूँ मैं तो भाई। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही है। मेरा मानना था क्या है, मुझे लगता है कि मैं शायद बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया ना, तो मुझे एक्साइटमेंट नहीं रहती। तो गाइस फाइनली सब आ गए हैं, अब केक कटने जा रहा है। कितनी दूर जा रहे हैं? बस आप तक ही आ रहा है। तो ये क्या है, ये नाक भी क्यों अटका रखा है? ये यहाँ तक पहुंचने लगा, टूट जाएगा पता है आपको। जाऊंगा कुछ ऐसा कर देंगे ना, बवाल मचा देंगे, जिंदगी पलट देंगे। क्या बोलते हो, जज्बात पलट देंगे। कुछ अपनी बेटी से पूछो, सच बता। नहीं नहीं मैं तो बचा रही हूं, फोन ही होगा कुछ। 15 प्रो मैक्स, करंट पहले लगा हाथ अब कांप रहे। पता है कौन लेके आई, ये जिया लेके आई थी आपके लिए। ये वो गर्मी को लग रही, पंखा चलाया, क्यों अजीब सा हो रहा है। ये हम सबकी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट, हाँ अरे छोटा सा है, छोटा दिया बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच। ये आइडिया किसका था? ये तीसरा नंबर जिया, फिर प्रिया। प्रिया का नहीं था, आई नो। तेरा कोई आइडिया नहीं था? नोप। जूड सच्ची, किसका आइडिया था? ये आपका था पंजाबी। कर सकता है इतना, तेरा बाप हो यार। मैंने ना सारा कुछ इनसे पूछ लिया था वहां जाके। एक तो हमें पता भी नहीं कि क्या होता है, मतलब फोन कैसा होता है। मुझे तो पहली बार पता लगा ये कि ये इंटरनेशनल भी होता है और इंडिया का भी होता है, मेड इन इंडिया भी होता है। मैं पता ही नहीं कि क्या होता है। और सब लोग वहां से, पापा फोन कर रहे हैं मेरे को, सागर भैया फोन कर रहे हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने साहिल को फोन किया, अमित को फोन किया, वो आपका दोस्त नहीं है पार्कर, उसको फोन किया, सबसे बता किया। फिर बाद में बोला नहीं नहीं सही होता है, इंटरनेशनल भी सही है। मेरे को क्या डर था, मैं उधर उसके पास गया था, जो बंदा मेरा है वहाँ गौतम बलिया था ना, युवराज। मैंने उसको बोला, मैं क्या बेटा ऐसी ऐसी बात है, कहता अंकल मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं थोड़ी देर में कॉल करके बता देता। नामा तो बंद हो गया, नामा पीछे मिलेगा नहीं, मेरे पास नहीं है। क्या करूँ, उसे मिला के मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। मुझे सब पड़ गया, कहीं जीत को ना फोन कर दिया। अंकल जी ऐसे ऐसे पूछ रहे, क्या मैं कहा कही नहीं, मैं ये टेंशन, मैं देखा जाएगा। फिर उसको बोला, फिर उसे बोला कि वो जो जहाँ मेरी मार्केट थी उससे बगल वाले में फ्लोटन के पास जाओ, वहाँ मिलेगा। उसके पास गया तो उसके पास भी नंबर नहीं मिला। फिर उन्हें बगल वाले के पास भेजा, इतना टाइम लगा उस दिन। तो एक बार मैं भी हैरान हो गया था, पापा ने ब्लॉग बनाया और फोन की ओपनिंग भी पापा ने वही की है, पता है। क्या क्या है आपको? सरकार मिलेगा, कमेंट मिलेगा, पूरे गार्ड लगा दें, क्योंकि हमने इसको ना डब्बे को डालना है, टेक किया। नहीं तो मैं सुबह से परेशान हूँ। धन्यवाद। पापा बोलते हमें ठग भी सकते हैं, इसके अंदर पत्थर वत्थर भी दे सकते हैं, हम यही खोलते हैं सील। सील नहीं तो आपसे खुलवानी थी हमने, इसमें ना सबका हाथ है। हाँ बहुत अच्छा लगा मेरे को, थैंक यू सो मच। और मजा आ गया सच में,
तो गाइस केक कट चुका है, अब ढड़ू गए हैं वहाँ अपने दोस्त के यहाँ, क्योंकि हम एक ही बंदे एक गाड़ी में नहीं आ सकते ना, तो वो अपने फ्रेंड की कार लेके आ रहे हैं और हमने जाना है कहीं बाहर डिनर करने के लिए कोई बढ़िया सी जगह। तो मैं सोच रही हूँ ना कि उनको फोन तो मिल गया गिफ्ट में, तो अब मैं सोच रही हूँ मैं अपना गिफ्ट ना थोड़े अलग तरीके से दूंगी। ये इसमें आ नहीं रहे ना, तो अब मैं इसमें लगाऊंगी केक। पहले मैं इसको डालूंगी कल्याण के लिफाफे में, फिर उनको लगेगा कुछ गोल्ड का है, फिर मैं डालूंगी ये क्या है ये पता नहीं जो भी है, ये कोई ब्रांड है उसका, क्या बोलते हैं गॉगल्स का, तो इसको ऐसे लगाती हूं। गॉगल्स नहीं है, गुलगुलू होता है। गुलगुलू तो बस ये, और इसके अंदर उनको मिलेंगे रिंग। इसके अंदर रिंग है, रिंग। गेस करो क्या होगा। एयरपॉड क्या है भैया ना, देखा मैं पता नहीं ऐसे पता लग गया डब्बे देख के। पता क्या हुआ था, मैंने एयरपॉड्स पहले ले लिए थे, तो जो फोन का प्लान है वो बाद में बना, तो मैंने कहा मैंने तो गिफ्ट ले लिया, तो सब मुझे बोलते कि सलारी करी तूने घर पे ले लिया। मैंने कहा मुझे था कि एयरपॉड्स ले, फोन का तो मेरे दिमाग में था भी नहीं, और ये मैंने अमित भैया से कह के मंगवाए ये भी। बस तो बस यही पे थोड़ी गड़बड़ हो गई। चलो अब फोन नया आया तो उसके साथ एयरपोर्ट्स भी उनको नए चाहिए। चलो अब इसको मैं डालूंगी कल्याण के लिफाफे में, पहले उनको लगेगा कि ये है कोई गोल्ड का है, फिर लगेगा इसमें चश्मे आ रहे जो मैंने लिया था वही चश्मा है, फिर अंदर खोलेंगे गिफ्ट। वहां भी गिफ्ट कटेगा? नहीं नहीं कहीं नहीं कटेगा, वहां से गिफ्ट मिलेगा। अच्छा, और मैंने पता क्या किया है, कल्याण के अंदर मैंने डाला है ये, कल्याण के अंदर मैंने डाला है क्या बोलते हैं, हाँ कल्याण के अंदर मैंने डाला है गॉगल्स का डब्बा, और उसके अंदर है एयरपोर्ट्स, तो ये मिलेंगे अब धड़ों को, फिर देखते हैं उनका रिएक्शन असली वाला। तो गाइस आ गए हैं ये, क्या ये केक, नवल ने सरप्राइजली केक काट दिया वहाँ पे, तो चलो लेके चलते हैं इसे भी। नहीं तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं फाइनली, इतनी देर हो गई, हम 6 बजे जाने वाले थे 8 बज गए। चले और एक गाड़ी हमारी आगे जा रही है, दूसरी गाड़ी ये। फाइनली हम अपनी मंजिल में पहुंच चुके हैं, ये कंटिन्यू फॉर 1 किलोमीटर। हमारी किस्मत सही नहीं है, जहाँ हमने जाना था वो रेस्टोरेंट क्लोज है, तो अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह, अब पापा से पड़ेगी डांट। जाओ आप ही पापा, पापा का रिएक्शन दिखा के आओ। बाप चिल्लाता है ऐसे नहीं चिल्लाता, बाप अगर देख बाप बाप होता है बेटा बेटा, बाप चिल्ला कि वहाँ बंद हो जाते टाइम ने, वहाँ इतने दूर से यार पता है क्या है? हमेशा 12 बजे तो खुला होता है, नहीं। होता है। हाँ मैं हमने पूछा उनसे हाँ। हमने पूछा अगर हमेशा खुला होता है, आज इवेंट था यहाँ पे, इन्होंने कोई फंक्शन रखा था तो 5 बजे क्लोज करके जा चुके हैं सब लोग। तो दिस इज माय बैड लक, पापा पहले से कह रहे थे कहीं और लोकेशन लेते, इतनी दूर नहीं जाना, मुझे था कि बहुत अच्छी लोकेशन है तो यहाँ पर आएंगे तो अच्छा लगेगा सब लोग, बट किस्मत नहीं है, फिर कभी लेके आऊंगा। और आप लोग ऐसे देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अंदर बहुत अच्छा था इसके, तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं अपना गिफ्ट भी दे दूँ इनको। कल्याण जो भी आपने मुझे पैसे दिए थे ना सारे उड़ा दिए। ये क्या कल्याण के अंदर डीएनजी डीएनजी कंपनी डीएनजी है कहीं डुप्लीकेट तो पकड़ा दे रही है। नहीं नहीं मिल गया अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना मुझे गिफ्ट मिलेगा। आप गैस कर सकते हो क्या है, कहाँ गया डीएनजी? वो तो नहीं कहीं फोल्ड होने वाला हो डीएनजी। नहीं यार आप खोलो उसको। आज बड़े सरप्राइज मिले मेरे को यार। मजा आता रहता है ऐसे सरप्राइज मिलते हैं। थैंक यू यार। ये था मेरा पहला गिफ्ट। ये मेरा खुद का था, मैंने ये मैंने पहले ही मंगा दिया, और ये मंगाया तो पता हेड वेस्ट ये काम एक ही कमीना कर सकता है। एयरपोर्ट प्रो सेकंड जनरेशन जो अभी चल रहा है। हाँ। मैंने इसका नाम पता क्या बोला था, क्या बोला होगा? आईपैड आईबर्ड। मैंने कहा भैया सोचो मुझे नाम लेना नहीं आ रहा है तो मैं लूंगी कैसे। फिर अमित लेके आए ये। थैंक यू सो मच। खोल के देखो यार, सोचा ही था कि सच में मतलब इसका भी रिव्यू मैंने इनसे ही लिया,
वो भी कल रात को। हाँ, कल रात को लिया। ये मेरे को बार बार एयरपोर्ट दिख रहे हैं कि ऐसे हैं, कितने के होंगे? कई महंगे हैं, अच्छे वाले हैं, इतने दिख रहे हैं। तो कितने होंगे? मैं तो होंगे 26-27 हज़ार के होंगे। कह रही अच्छा ठीक है, इतने महंगे क्यों है? मैं तो बहुत अच्छे हैं ये, पता भी है, कभी सुना है तूने? मैं कहा चलो ठीक है, जो भी लिया सही लिया। अब एक बात बता, अब बताओ कि जिसने ये बूट पारा था, पापा यार बर्थडे बनाने का मन नहीं कर रहा है, खुद फील नहीं आ रहा है, मेरा बर्थडे है, पता नहीं क्या होगा। अब सच बता रहे थे, अब कैसा? अब बता दे, अब बता दे। नहीं अच्छा अच्छा लगा मेरे को, मतलब सरप्राइज मिले, गिफ्ट मिले, ऐसा लग रहा है कि मतलब आज का दिन बहुत अच्छा है और पूरा दिन मेरा ही है और किसी का नहीं है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू सो मच। और कैसे आप लोगों ने बहुत सारे मेंशन किए थे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, मेंशन मैं एक मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी था और बहुत सारे मेंशन आए थे सबको, एक थैंक यू सो मच एक ही बार में। चलो अब कुछ खाते पीते हैं, यहाँ तो बंद हो गया, बाकी ना बंद हो जाएगी। चलो रे चलो खाना खाते, चलो भूख लग रही है मेरे को। तो अब हम लोग आए हैं वही अपनी पुरानी जगह एमबीडी मॉल, तो यहाँ करेंगे हम बढ़िया सा डिनर। खाना हो गया पीछे, अब तो भूल ही गए हो कि ब्लॉग भी बन रहा है। पहले खाना खा लेते हैं, खाना भी ऑर्डर कर लिया, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। चलो भाई करो शुरू है, आ गए भाई आ गए, हम भी आ गए। हर्षी की तो गुड मॉर्निंग अभी हो रही है, सबने खाना खा लिया, हर्षी की गुड मॉर्निंग अब हो रही है। लाइट देख रही हो ऊपर, ये देखो ये वाली लाइट बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हमने खाना खा लिया है, मस्त सा डिनर हमारा हो गया, अब जाते हैं घर और मस्त से सोते हैं क्योंकि आज इतना थक गए हैं ना, एक ही दिन में दो होली भी बर्थडे भी, तो थक गए हैं यार। तेरी और मेरी फोटो खींचते हैं यार, बहुत टाइम हो गया। हाँ यार चलो, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।